कोलकाता के आरजीकल मेडिकल कॉलेज की घटना को एक महीना हो चुका है, बावजूद इसके अब भी न्याय बाकी है। भले ही सीबीआई की जांच लगभग पूरी हो गई, लेकिन जांच एजेंसी को ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप के सबूत नहीं मिले हैं। 10 पॉलीग्राफ टेस्ट, 100 लोगों से पूछताछ और अब तक की जांच में सीबीआई का मानना है कि वारदात को आरोपी संजय रॉय ने अकेले अंजाम दिया है। वही हाल ही में आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान हैरान करने वाला बयान दिया। टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने कहा कि मुझे फंसाया गया है, मैंने हत्या नहीं की, मैं तो शव देखकर भाग गया था। यह सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर को खुदकुशी साबित करने में प्रिंसिपल और पुलिस दोनों की भूमिका एक जैसी नजर आती है। और ताज्जुब की बात यह रही कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार दोनों की हरकतों पर सीधे सीधे पर्दा डालने में जुटी रही। अगर ऐसा नहीं था तो आनंद फानंद में संदीप घोष को आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफर कर कोलकाता मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों बनाया गया? वो तो कोलकाता मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने प्रिंसिपल के कमरे में ताला जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे, तब सरकार होश में आई। अगर मामला खुदकुशी का नहीं था, फिर भी जांच तो उसकी भी होनी चाहिए थी, और तब तक संदीप घोष को वेटिंग में ही रखा जा सकता था। तत्काल प्रभाव से प्रिंसिपल बनाने की हड़बड़ी क्यों थी? ये तो साफ साफ समझ आता है कि ममता बनर्जी की सरकार के आला अफसर प्रिंसिपल के अपराध और पुलिस की ढिलाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा कोलकाता पुलिस पर घटना को दबाने के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के माता पिता को अपनी बेटी के शव का जल्दी अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया गया। डॉक्टर के माता पिता ने न्याय की मांग की और आरोप लगाया कि घटना के उजागर होने के बाद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की। अब भला जिस बाप की बेटी के साथ इतना घिनौना कृत्य हुआ हो, वो झूठ क्यों बोलेगा? मीडिया से बात करते हुए पीड़िता के पिता ने कहा कि शुरू से ही पुलिस ने मामले को ढकने की कोशिश की और उन्हें शव दिखाने से रोक दिया। ममता बनर्जी ने माता पिता द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए इसे विपक्ष द्वारा मृत शरीरों पर की जा रही गद राजनीति का हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा कि रिश्वत देने का कोई मामला नहीं हुआ, लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी को कोलकाता पुलिस से बेहतर सच्चाई क्यों पता लगती है? कोलकाता पुलिस इन आरोपों का खंडन क्यों नहीं करती? विडंबना यह है कि ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार सॉलिटेयर शतरंज खेल रही है, जहां काले और सफेद दोनों मोहरे एक ही सत्ता द्वारा हिलाए जा रहे हैं। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए टीवी और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा? फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।